नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्सो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक पेज को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद में कैसे आप उस पर कॉन्टेंट अपलोड कर सकते हो, चाहे वो आप किसी भी वीडियो को अपलोड करना चाहो, फोटो को अपलोड करना चाहो, कैसे कर सकते हो, कैसे उससे अर्निंग का प्रोसेस मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा, कैसे उसे मोनेटाइज करना है, कैसे उसमें अर्निंग करनी है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी डिटेल मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा कि फेसबुक पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट कैसे अपलोड कर सकते हो फेसबुक पेज पे। तो बने रहना वीडियो में आखिर तक, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप फेसबुक का पेज क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ज़रिए से बनता है ये फेसबुक पेज। तो एक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ आपके पास फेसबुक अकाउंट भी है, तो आप सीधे फेसबुक को ओपन करोगे, यहाँ पे थ्री लाइंस पे जाओगे, सेटिंग्स पे आ जाओगे, यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेजेस वाला, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जिन्हें आपने फॉलो कर रखा होगा, जिन पेज को लाइक कर रखा होगा, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये जो रिलेटेड होते हैं ये यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। लेकिन हमें एक न्यू फेसबुक पेज क्रिएट करना है, तो हमें कैसे करना है, यहाँ पे ये जो क्रिएट वाला आ रहा है ऊपर, यहाँ पे इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स ये लोग बता रहे हैं, इनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं कुछ, वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ से गेट स्टार्टेड करना है। यहाँ पे जो पेज आप बना रहे हो, क्या नाम रखना चाहते हो, उसका यहाँ पे नाम डालना होगा आपको। यहाँ पे पेज का नाम डाल के आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में व्हाट कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब दिस पेज, यहाँ पे कैटेगरी चूज कर, कैटेगरी यहाँ पे ये चार कैटेगरी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी आप कैटेगरी का रखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे एड्रेस डालना चाहते हो तो एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आप एड्रेस डालोगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे। अगर नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट टू ऐड एन एड्रेस, यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे कवर फ़ोटो आपको लगाना है, जो भी आप लगाना चाहते हो। यहाँ पे ये प्रोफाइल ऐड प्रोफाइल पिक्चर, ये दोनों में लगा के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं, कवर फ़ोटो भी लगा लिया है, प्रोफाइल पिक्चर भी लगा ली है, और यहाँ से डन करते हैं। यहाँ से आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जो आपके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में होंगे, उन्हें आप इनवाइट कर सकते हो। यहाँ से वन क्लिक में अगर करना चाहो, सिलेक्ट ऑल पर लगाओ, यहाँ से सेंड कर सकते हो। और इधर से कनेक्ट व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हो इसी से, और क्रिएट वेलकम पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो फ़ोटो हो या वीडियोस हो, अपलोड कर सकते हो इस वाले बैनर पे क्लिक करके। और इधर ये ऐड बटन, ये जो बटन होता है ना पेज पे लगाते हैं, कोई लाइक वाला लगा देता है, कोई फॉलो वाला लगा देता है, कोई व्हाट्सएप वाला लगा देता है, वो बटन यहीं से लगेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनवाइट का दिखा चुका, कनेक्ट व्हाट्सअप, यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो नंबर होगा वो आप डाल दोगे, जो भी आप नंबर यहाँ पे डालना चाहो डाल सकते हो। ये यूज़र्स के लिए होगा। और यहाँ से क्रिएट पोस्ट, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ऐड बटन करके दिखाता हूँ। ये सारे के सारे बटन्स हैं, जैसे बुक नाउ, गेट क्वाइट, शॉप नाउ, यहाँ पे ये इनमें से कोई भी बटन लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। व्हाट्सएप वही, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे बटन्स हैं ये, इनमें से जैसे हमें फॉलो वाला लगाना है तो फॉलो का चूज़ करेंगे यहाँ पे, और क्रिएट कर देंगे। यहाँ से बटन भी लग चुका है, पोस्ट क्रिएट यहाँ से करेंगे। तो अभी मैं पोस्ट नहीं, लेकिन अभी पेज में जाके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश में हमारा पेज जो बनाया था हमने वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेज हमारा बनके तैयार है, बस यहाँ पे यूज़र नेम डालना है आपको, जो भी आप रखना चाहते हो। यहाँ पे यूज़र नेम डालोगे वो हो जाएगा काम। और पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हो, ये फ़ोटो हैं, ये प्रमोट कर सकते हो, ऐड चला सकते हो अपने पेज को,
मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए, अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है ज़्यादा, तो आप ऐड भी चला सकते हो, इसको प्रमोट कर सकते हो अपने पेज को, और किसी और की तरह देखना चाहते हो, जैसे अपने पेज को किसी और बंदे की तरह देखना चाहते हो, तो यहाँ से व्यू एज पे, और एडिट करना है कुछ तो एडिट पेज ये रहा, यहाँ से आप पेज को देख सकते हो। ये होम पेज पे हैं अभी, होम पेज पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, अभी कुछ नहीं डाला है। ग्रुप बनाना चाहते हो, ग्रुप यहाँ पे बना सकते हो आप। इवेंट कोई लगाना चाहते हो, इवेंट भी लगा सकते हो। और इस पे पोस्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ पे ये प्रोफाइल और ये वो कवर फ़ोटो ये अभी आ चुके हैं, बाकी और भी फ़ोटो डालेंगे तो इसी वाले पोस्ट वाले सेक्शन में आएंगे। ग्रुप बना के डालना चाहते हो तो यहाँ पे ग्रुप भी बना सकते हो आप। तो पेज को क्रिएट करना बहुत आसान होता है। आगे मैं वीडियो एक और बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसे कैसे मोनेटाइज करवाना है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ये सारी डिटेल बताऊँगा उस वीडियो में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी और आप बड़े ही आसानी से इस तरीके से फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पूछो, बताऊंगा मैं ज़रूर। चलो तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहना।